Hello everyone, you are welcome to class, and in this video we are going to talk about A Hymn to God the Father. ये जो poem है ये लिखी है आपकी John Donne ने. So सबसे पहले हम John Donne के बारे में बात करेंगे और फिर हम stanza wise, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, stanza wise analysis करेंगे. और पहले मैं आप लोगों को एक बार एक idea दे देता हूँ इस पूरी poem के बारे में, हम क्या क्या चीज़ें बात करने वाले हैं. तो अगर हम फर्स्ट स्टेंजा में अगर हम देखें कि क्या है, तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट है वो क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं. क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? देयर इज अ क्वेश्चन एंड ही इज आस्किंग टू गॉड वेदर ही विल फॉरगिव हिम और नॉट, कि वो उसको माफ करेंगे या नहीं करेंगे, किसके लिए, जो भी उन्होंने सिन कमिट किए हैं. तो ये जो आप लोगों की लाइन है, Wilt thou forgive that sin where I begin? तो ये आपकी लाइन आप लोगों को रिपीटिशन में दिखाई दे रही होगी, ठीक है. तो इसी को हम क्या कहते हैं, एनाफोरा कहते हैं. धीरे धीरे आप लोगों के साथ में जब ये पूरी पोएम हम एनालिसिस करेंगे इसका, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी. तो पहला जो स्टेंजा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वो सिन को माफ़ करेंगे, और जो वो वाले सिन भी जो कि उन्होंने पैदा होने से पहले ही कमिट हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें वो बात करेंगे. वो बात वो पूछते हैं गॉड से कि एंड डू रन स्टिल दो स्टिल आई डू डिप्लोर. वो क्या करते हैं कि इन चीज़ों की क्या करेंगे, निंदा करते हैं, जो सिन है उनकी निंदा करते हैं, बट फिर भी क्या वो उनको माफ़ करेंगे, ठीक है. लेकिन यहाँ पर वो लास्ट लाइन में यहाँ पर कहते हैं कि व्हेन दाउ हास्ट नॉट डन फॉर आई हैव मोर. और जो डन है वो कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि आप अगर हमारे सारे सिन माफ़ भी कर देंगे, फगिव कर लेंगे, बट लास्ट में कुछ ना कुछ और सिन बच जाएंगे. अब आ जाते हैं हम सेकंड वाले स्टेंजा में डायरेक्टली. आप लोगों को थोड़ा सा ओवरऑल बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लाइन बाई लाइन इसको डिस्कस करने वाले हैं. विल्ट दाउ फगिव दैट सिन विच आई हैव वॉन. तो यहाँ पर आप लोगों को फिर ये लाइन दिखाई दे रही होगी. तो जो ये लाइन है, फिर आप लोगों को बहुत बार मैं आप लोगों को बताऊंगा चीज़ें, तो आप लोगों को याद हो जाएगी. तो इसी को हम क्या कहते हैं, एनाफोरा कहते हैं, जहाँ पे कि रिपीटिशन आप लोगों को इस तरह से देखने को मिलता है. तो आप लोगों को लास्ट जो ये वाला है, इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्रेन कहेंगे. और रिफ्रेन में आप लोगों को वही लाइन क्या होती है, रिपीटिशन देखने को मिलता है. तो फिर से वो यहाँ पर आप लोगों को पहले वाले जो स्टेंजा था उसमें मैंने बताई थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें. अब यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ डोर याद रखना है, ठीक है. ये जो दूसरा वाला है डोर है, पूरी जो पोएम है उसे किस तरह से याद रखा जाता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, कि क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं कि ये वाला जो स्टेंजा है वो कौन सी पोएम से लिया गया है. तो यहाँ पर आपको डोर याद रखना है. अब आगे चलते हैं, इस डोर से पूरी स्टोरी, यहाँ पर जो भी बात बोली जा रही है वो क्या है, वो ये है कि जो पॉइंट हैं वो कहते हैं कि मैंने भी लोगों को क्या किया है, जो सिन है उन्हें कमिट करने के लिए उकसाया है, या उनको डोर या उनको रास्ता दिखाया है. तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट लाइन आप लोगों को किस तरह से याद रहेगी. नेक्स्ट लाइन आप लोगों को श्योर याद रखना है, ठीक है. वहाँ पर डोर था, यहाँ पर आप लोगों को श्योर याद रखना है. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई हैव अ सिन ऑफ फियर. यहाँ पर फियर की बात हो रही है. वो कहते हैं कि मेरे अंदर अभी भी क्या है, डर है, जो कि मेरा एक तरह से सिन है. और यहाँ पे शोर की बात हो रही है. वो कहता है कि अगर यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन, आई हैव स्पन माई लास्ट थ्रेड, इसका मतलब कि मैंने अपना जो लास्ट थ्रेड था वो जी लिया. जब मैं अपना लास्ट जो सांसें हैं उन्हें गिन लूँगा, मींस जब मेरी डेथ हो जाएगी, जब मेरी डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, उसके बाद भी मैं क्या, अगर आपने मुझे पूरी तरह से माफ़ नहीं किया, या वो कह रहे हैं पूरी पोइट्री में, पूरे पोएम में, कि अगर आप पूरा माफ़ कर भी देंगे तो फिर भी कुछ ना कुछ मेरे पाप रह जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ अर्थ और अगर हेवन की बात करो तो मैं कहीं नहीं पहुँच पाऊँगा, कहीं बीच में ही मैं क्या हो जाऊँगा, लटक जाऊँगा. तो ये शोर हो गया आप लोगों का. तो ये थ्री स्टेंजास की पूरी स्टोरी है शॉर्ट में. अब हम इसे डिटेल में समझते हैं, पूरा जो चैप्टर है उसे हम पूरे डिटेल में समझेंगे. तो सबसे पहले John Donne. John Donne was an English poet, scholar, soldier, secretary, born into a Catholic family. तो वो कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे. वो इंग्लिश पोइट हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ें हमें ऑलरेडी याद हैं. ही वॉज अ सोल्जर एज वेल, अ रेमनेंट ऑफ कैथोलिक रिवाइवल हु रिलेक्टेंटली बिकेम अ क्लैरिक इन चर्च ऑफ इंग्लैंड. वो इंग्लैंड के एक चर्च में क्या बन गए हैं, क्लैरिक हैं.
बट वो रिलेक्टेंटली उसको ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो क्या है, खुद एक कैथलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम उन्हें कह सकते हैं अ रेमनेंट ऑफ कैथलिक रिवाइवल। ही वॉज डीन ऑफ सेंट पॉल कैथेड्रल इन लंडन। ही इज़ कंसिडर्ड द प्री एमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेटाफिजिकल पॉइंट। और जब हम जॉन डन की बात करते हैं तो सीधे सीधे आप लोगों को मेटाफिजिकल पॉइंट्स जो हैं, उनका ग्रुप जो पॉइंट्स का है, या हम उसको स्कूल कहें, उससे बिलोंग करते थे। तो आप लोगों को अगर देखेंगे कि जो मैं राउंड कर रहा हूँ यहाँ पे, वो चीज़ें आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। हिज पोइटिक वर्क्स स्टाइल इंक्लूड्स सोनेट्स, लव पोएम्स, रिलीजियस पोएम्स, लेटिन ट्रांसलेशन, एपिग्राम्स एंड एलिजीज, सॉन्ग्स एंड सटायर्स। ये सारे उन्होंने लिखे हुए हैं। और जो ये हिम है जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं, वो आपका रिलीजियस पोएम की ही कैटेगरी में आता है। ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज सर्मन्स। उन्होंने काफ़ी सारे सर्मन्स लिखे हैं। बॉर्न ऑन 22 जनवरी 1572 इन लंडन, इंग्लैंड, एंड ही डाइड इन 31 मार्च 1631। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 31 मार्च है, 31, तो 31 31। अब जब भी आप जॉन डन लिखें तो 31 एंड 31 लिखें, ठीक है? तो आप लोगों को कुछ कनेक्शन बन जाएगा इससे और आप लोगों को चीज़ें याद हो जाएंगी। ही वॉज एज्ड 59 वैन ही डाइड। ओके, तो 31 31 को अगर आप करते हैं तो 30 30 60, तो 60 के अराउंड उनकी एज बन रही है। वैसे 62 हो रहा है, बट आप इसे याद रख सकते हैं कि कहीं ऑल अराउंड ही उनकी एज है, ठीक है? तो 59 उनकी एज थी। इस तरह से अगर आप कोरिलेशन मेथड, इसे कहते हैं कोरिलेशन मेथड, से चीज़ें याद रखेंगे तो इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी। अब आते हैं अ हिम टू गॉड द फादर, इसके बारे में। अ हिम टू गॉड द फादर ऑल्सो टाइटल टू क्राइस्ट। मैंने इसको फिर से राउंड कर दिया है, आप लोगों को इसे याद रखना है। अ हिम टू गॉड द फादर, इसका जो टाइटल है वो टू क्राइस्ट भी है। इज़ अ पोएम बाय इंग्लिश पोइट एंड क्लर्जी मैन जॉन डन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वो क्लैरिक उन्होंने ज्वाइन किया था कैथेड्रलिक चर्च में, तो और रिलेक्टेंटली उन्होंने उसे ज्वाइन किया था, तो क्लर्जी मैन भी थे वहाँ पे। इट इज़ वन ऑफ इज डिवाइन पोएम्स। इट्स डेट ऑफ कॉम्पोजिशन इज अननोन, कि इसका जो कॉम्पोजिशन है वो कब हुआ ये हम नहीं कह सकते। द पोएम वॉज सेट टू म्यूजिक बाय फेलम हम्फ्री। यहाँ पर भी ये भी आप लोगों का इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो म्यूजिक था वो सेट किसने किया था। फेलम हम्फ्री ने किया था इन 17th सेंचुरी एंड पोस्टमसली पब्लिश्ड इन हारमोनिया सैक्रा बुक फर्स्ट 1688। His setting has been included in 10 hymnals under such other titles as its opening, Wilt thou forgive that sin where I begin? तो ये वाली जो लाइन है, ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट याद रखनी, कि उसके जो टाइटल टाइटल दिया गया था वो इस जो फर्स्ट लाइन है, जो कि एनाफोरा भी लाती है इस पोएम में, वो लाइन आप लोगों को याद रखनी है। तो वो काफ़ी जगह इसी टाइटल से उसको क्या किया गया था। और इसका अनदर टाइटल क्या है, टू क्राइस्ट भी अनदर टाइटल है, बट विदाउट ऑलवेज क्रेडिटिंग हिम एज कंपोजर और डन एज द ऑथर ऑफ द वर्ड्स। अनदर स्लाइटली अर्लियर सेटिंग ऑफ द पोएम ऑफ अबाउट द सेम टाइम वॉज बाय जॉन हिल्टन इन 20th सेंचुरी। देयर वॉज सेवरल मोर सेटिंग्स बोथ फॉर कोरस एंड इंडिविजुअल परफॉर्मर। द पोएम स्टार्ट्स विथ डन आस्किंग गॉड वेदर ही विल फॉरगिव द सिंस कमिटेड इवन बिफोर हिज बर्थ, रेफरिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ ओरिजिनल सिन। तो ये आप लोगों का क्या है, पहली लाइन है, और इसका जो मीनिंग है वो यही है कि गॉड जो है वो गॉड से पूछा जा रहा है कि क्या वो उसके जो पाप हैं, जो सिन हैं, उनको माफ़ किया जाएगा या नहीं। जो बैकग्राउंड है वो भी आप लोगों को पोइट्री का याद होना चाहिए, क्योंकि यूजीसी नेट में ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इससे बैकग्राउंड से पूछे जाते हैं। दैट पार्डन ही एड्स दैट गॉड टास्क इज नॉट कम्प्लीट फॉर देयर इज मोर टू बी फॉरगिवन। वो कहता है कि जैसा कि लाइन में मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया भी था, कि जब गॉड उसके सारे जो सिन हैं उन्हें माफ़ कर भी देगा, फिर भी जो भगवान है उनका, गॉड का काम, जो उनका टास्क है, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ सिंस ही हैज़ कमिटेड। ही एम्पलीफाइज इन द सेकेंड स्टेंजा दैट इन एडिशन देयर आर द सिंस विटनेसिंग विच अदर्स वर टेम्प्टेड टू सिन देमसेल्व्स। हिज सिंस ऑफ बैकस्लाइडिंग आर ऑल्सो इंक्लूडेड। कहने का मतलब ये है कि जो पिछले उसके सिन हैं वो सारे क्या हैं, वो भी उसमें एडेड हैं। इन द फाइनल स्टेंजा
डन अक्यूजेस हिमसेल्फ ऑफ सिन ऑफ फियर, वो कहता है कि मेरे अंदर जो सिन ऑफ फियर है, जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, फियर आप लोगों को याद रखना है और जो श्योर आप लोगों को याद रखना है वो मैंने आप लोगों को बताया था, उससे पहले आप लोगों को डोर वर्ड याद रखना है। तो पूरी पोएम आप लोगों को याद रहेगी, आप उसे भूलेंगे नहीं कि कौन से स्टेंजा। तो इसी तरह से हम 30 पूरे करने वाले हैं कोर्स में, होपफुली कि आप लोगों को पूरी की पूरी 30 पोएम्स आप लोगों को याद भी रहेंगी। बी लॉस्ट अनलेस गॉड कन्फर्म्स हिज प्रॉमिस दैट हिज सन विल शाइन अपॉन हिम एट हिज डेथ। इन द रिपीटेड लाइन व्हेन दाउ हास्ट डन दाउ हास्ट नॉट डन, यहाँ पे व्हेन दाउ, दाउ का सिंपली मीनिंग यू होता है। अगर आप मीन्स अभी अभी इंग्लिश लिटरेचर आप लोगों ने शुरू किया है तो व्हेन हास्ट, व्हेन दाउ हास्ट डन, जब आप मीन्स अपना काम कर चुके होंगे। दाउ हास्ट नॉट डन मीन्स गॉड, आपका काम तभी भी पूरा नहीं होगा। द पोइट पंस अपॉन हिज ओन सर नेम, तो यहाँ पे देखिए डन डन से क्या है, एक तरह का इसे हम क्या कहेंगे, पन है, ठीक है। तो जब हम बहुत शॉर्ट में कोई चीज़ इस तरह से ट्रिकी चीज़ लिख लेते हैं तो उसी को पन कहा जाता है। तो डन क्या कर रहा है, अपना जो सर नेम है जॉन डन, वो उसको यूज़ करना चाह रहे हैं वहाँ पे, और उससे मीन्स उसे एक तरह से रेफर कर रहे हैं। बट इन दी थर्ड लाइन दाउ हास्ट डन ही प्लेज हिज फेथ इन द डिवाइन रिडीमा, वो कहते हैं कि मेरा मीन्स वहाँ पे वो अपना फेथ डिवाइन रिडीमर के ऊपर एक तरह से शो कर रहे हैं। अब हम इसमें समरी देखेंगे और उसके बाद लाइन बाय लाइन इसका एनालिसिस देखेंगे। समरी ऑफ अ हिम टू गॉड द फादर, द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर डिस्क्राइबिंग हाउ द वर्ल्ड इज फिल्ड विद सिन, जो पूरी दुनिया है वो कैसे जो सिन है उससे भरी हुई है। ही माइट नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ह्यूमनिटीज ट्रबल्स बट ही हैज़ मोर देन इनफ ऑफ हिज ओन टू अकाउंट फॉर, वो कहता है कि पूरी ह्यूमनिटीज़ के जो ट्रबल्स हैं उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है, बट उसका भी उनमें क्या है, पार्ट है। द स्पीकर टेल्स हाउ ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन अ सिन, और स्पीकर हैं जो राइटर हैं वो क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनकी पूरी लाइफ जो है वो सिन में गुजरी है। ही रन्स थ्रू इट इंजॉइंग ऑलमोस्ट एवरी मोमेंट स्पेंड देयर, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ कन्फेशन एंड प्ली ऑफ प्ली टू गॉड। यहाँ पे दो चीज़ें आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, एक तो कन्फेशन है और दूसरा यहाँ पे प्ली भी है। द स्पीकर होप्स दैट गॉड विल लुक डाउन ऑन हिम फॉन्डली एंड टेक अवे ऑल द गिल्ट ही फील्स अबाउट हिज लाइफ, और स्पीकर ये आशा कर रहे हैं गॉड से कि वह उसके ऊपर मतलब ख्याल रखेगा एक तरह से, और वह गिल्ट भी फील करता है अपनी लाइफ के लिए क्योंकि उसने पूरी लाइफ कैसे जी है, सिन के साथ जी है। इफ गॉड वर टू डू सो एंड मेक द स्पीकर फील एज इफ जीसस इज़ विद हिम ऑल द टाइम द एंड ही कुड लिव अ हैप्पी लाइफ, और लास्ट में उसे ऐसा भी फील होता है कि जब उसे फील होता है कि जीसस उसके साथ में है तो एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करेगा। ही नीड्स गॉड टू रिजॉल्व ऑल हिज ट्रबल्स, और वो गॉड को चाहता है, जीसस को चाहता है कि उसके सारे ट्रबल्स क्या कर दिए जाएँ, सॉल्व कर दिए जाएँ। तो अब हम पहले स्टेंजा को देखते हैं यहाँ पर और उसका एनालिसिस भी हम लोग देखेंगे वन बाई वन। विल दा फॉरगिव दैट सिन वेयर आई बिगिन विच वॉज माई सिन दो इट वॉज डन बिफोर, विल दा फॉरगिव दैट सिन थ्रू विच आई रन एंड डू डू रन स्टिल दो स्टिल आई डू डिप्लोर। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जब आपको बहुत सारी पोएम्स याद रखनी होती है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है कि हम इतनी चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं। तो जब भी आप किसी पोएम को पढ़ें तो उसके चार या पांच ही वर्ड याद रखें, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि डिप्लोर जो वर्ड है वो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे याद रख लेना है। सेकंड जो स्टेंजा है उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि पोएम को याद रखने का ये बढ़िया तरीका है आप लोगों का, डिप्लोर हो गया, डोर हो गया, और जो लास्ट वाला है वो तीसरे स्टेंजा में आपको शोर वर्ड याद रखना है। तो अगर आपको ये तीन वर्ड याद रहेंगे तो आपको पूरी पोएम याद रहेगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं इसमें। वेन दाउ हास्ट डन दाउ हास्ट नॉट डन फॉर आई हैव मोर, तो इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पीस ऑफ दिस स्पीकर बिगिंस बाय आस्किंग गॉड एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें आप लोगों ने देखा कि वो गॉड से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। ही नीड्स टू नो वेदर गॉड इज गोइंग टू बी एबल टू फगिव द सिंस ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये संसार के जितने सिन हैं उन्हें फगिव कर पाएंगे। दीज आर थिंग्स फॉर विच ऑल द ह्यूमनिटी सफर बट विच ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ, वो कहता है कि ह्यूमनिटी इन
चीज़ों की वजह से क्या कर रही है, सफ़र कर रही है, लेकिन वो इसका पार्ट नहीं था पहले। द स्पीकर मेक श्योर टू एड ऑन दैट दे वर डन बिफोर ही वॉज बॉर्न, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ही इज़ ऑन अर्थ ही इज़ पार्ट ऑफ इट। कहता है कि मेरा जो है अब मैं इसका पार्ट हूँ। द नेक्स्ट लाइन डिस्क्राइब्स हाउ द स्पीकर इज़ नॉट विदाउट सिन हिमसेल्फ, और वो कहता है कि जो स्पीकर है वो खुद भी इसका पार्ट, मीन्स वो भी है इसका पार्ट, और वो इन जो ये पाप हैं, जो सिन हैं, उन उनसे बचा हुआ नहीं है। ही माइट बी सेपरेट फ्रॉम द लार्जेस्ट सिन ऑफ द वर्ल्ड, बट दैट डजेंट मीन ही इज़ प्योर। इनफैक्ट ही स्टेट्स दैट ओवर एंड ओवर ही इज़ रनिंग दो थ्रू सिन, हिज इनेबिलिटी टू एस्केप हिज ओन ह्यूमैनिटी इज रिफ्लेक्टेड इन द रिपीटेटिव लाइन्स ऑफ द वर्ड्स। द यूज ऑफ द सेम वर्ड्स एट द बिगनिंग ऑफ लाइन सच एज विल्ट दाउ फॉरगिव दैट सिन इन द लाइन 1 एंड 3 इज नोन एज एनाफोरा। तो यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा, ये आप लोगों को याद रखना है। इसी तरह से आप लोगों को एक स्टेंजा दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि इस लाइन में आपको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप लोगों के लिए ये आपका आंसर होगा एनाफोरा। इट इज़ यूज टू यूनिफाई द टेक्स्ट एज वेल एज इन्हांस इट्स सॉन्ग लाइक क्वालिटीज, और इस तरह का जो रिपीटिशन होता है वो सॉन्ग लाइक क्वालिटीज भी ले आता है। द रिपीटिशन इज ऑल्सो रेमिनिसेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेयर, और जो प्रेयर अगर आप देखेंगे कोई भी प्रेयर होती है तो उसमें हमें रिपीटिशन देखने को मिलता है। द स्पीकर मेक श्योर दैट गॉड नोज हिज रन थ्रू सिन इज नॉट डन बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी अ सिनर, ही डिप्लोर्स हिज ओन एक्शंस बट इज अनेबल टू स्टॉप। वो अपने जो एक्शन हैं जिनकी वजह से ये सिन कमिट हुए हैं उन्हें डिप्लोर करता है, उनकी निंदा करता है, बट स्टिल ही इज़ अनेबल टू स्टॉप। द लास्ट टू लाइन्स ऑफ ईच स्टेंजा आर मोस्टली द सेम, हियर ही टेल्स गॉड दैट व्हेन ही फिनिशेस हेल्पिंग एंड फॉरगिविंग सिंस देयर विल बी मोर टू डू। और लास्ट वाली लाइन जहाँ पे ये देखिए, इस वाले लाइन को पूछा जा सकता है और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ में पूछा जा सकता है कि ये जो लाइन है इनका क्या मतलब है। वो कहते हैं कि व्हेन यू हैव डन, मीन्स जब आप कंप्लीट कर चुके होंगे, यू हैव नॉट डन, कहने का मतलब ये है कि मीन्स फिर भी कुछ सिन रह जाएंगे, फॉर आई हैव मोर, फॉर वी हैव मोर, जो इंसान है उन्होंने बहुत सारे क्या किए हैं, कमिट किए हैं सिन। हिज सिंस एंड दोज ऑफ द वर्ल्ड गो ऑन इंडेफिनेटली, तो इनडेफिनिट जो सिंस हैं उनको कितना भी क्या किया जाए, माफ़ करते हुए चले जाएँ गॉड, लेकिन फिर भी ये नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड स्टेंजा देखते हैं, विल दा फॉरगिव दैट सिन विच आई हैव वॉन अदर्स टू सिन एंड मेड माई सिन देयर डोर। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछले वाले में हमने डिप्लोर वर्ड को क्या किया था, अंडरलाइन किया था, याद किया था, इसमें हमें डोर वर्ड याद रखना है, अदर्स टू सिन एंड मेड माई सिन देयर डोर, विल दा फॉरगिव दैट सिन विच आई डिड शन अ ईयर और टू बट वेलोड इन आवर स्कोर व्हेन Thou hast done, thou hast not done, for I have more। तो इसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर बात चल रही है कि वो बोलता है कि क्या मेरे जो सिन है उन्हें माफ़ किया जाएगा, और अगर माफ़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इतने सिन हैं कि उनको माफ़ नहीं किया जा सकता है, और मैंने भी कुछ सिन किए हैं, और वो जो सिन है वो किस तरह से है, वो इस तरह से है कि मैंने लोगों को रास्ता दिखाया है, मैंने उन्हें डोर दिखाया है सिन कमिट करने के लिए। ओके, सो इट्स अनक्लियर व्हाट काइंड ऑफ सिन ही मींस, बट इट वाज मेड देयर डोर। अब वो यहाँ पे अनक्लियर है कि किस तरह के सिन उन्होंने किए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया है, लोगों को रास्ता दिखाया है उन सिन को कमिट करने का। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। एंड हियर द स्टेंजा कंक्लूड्स विद द सेम टू लाइन्स रेफरेंस इन्फॉर्मिंग गॉड दैट ही इजेंट फिनिश्ड फॉरगिविंग सिंस येट, और वो कहते हैं कि जो है मींस जितने भी सिन हैं वो कमिट तो हुए हैं, और आप उनको फॉरगिव करते करते फिर भी कुछ ना कुछ रह जाएंगे, देयर आर स्टिल मैनी मोर टू कम, और बहुत सारे अभी भी सिन जो हैं वो बच जाएंगे। नाउ स्टेंजा थ्री, स्टेंजा थ्री की बात कर लेते हैं। आई हैव अ सिन ऑफ फियर, लास्ट लाइन में वो सिन ऑफ फियर की बात करते हैं, और मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था पहला वर्ड क्या था आप लोगों का, वो था आपका डिप्लोर। अब मैं ये रिपीट इसलिए करता हूँ बार बार आपकी वीडियोस में कि आपको वीडियो देखते देखते ही ख़त्म, जब वीडियो फिनिश हो आपकी 30 मिनट की या
40 मिनट की, तो उस क्लास के बाद आप लोगों के माइंड में ये चीज़ें छप जाएं। तो पहला था आपका डिप्लोर, दूसरा था आप लोगों का डोर, और तीसरा है आप लोगों का श्योर। ठीक है, तो उसमें वो किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है वो आप लोगों का क्लियर दिमाग में बैठ रहा होगा। माई लास्ट थ्रेड, वो बोलता आई हैव स्पन माई लास्ट थ्रेड, जब मेरी डेथ हो जाएगी, आई शेल पेरिश ऑन द शोर, मैं कष्ट झेलूंगा, आई विल सफ़र, कहाँ पे, श्योर, किनारे पे, मीन्स मैं दूसरी तरफ नहीं जा पाऊँगा, अर्थ से हेवन की तरफ नहीं जा पाऊँगा, मैं यहाँ कहीं श्योर पे रहूँगा, और मीन्स क्योंकि मेरे जो सिन है वो पूरी तरह से क्या नहीं होंगे, माफ़ नहीं हो पाएंगे, बट स्वेयर बाय दाई सेल्फ दैट एट माई डेथ दाई सन शेल शाइन एज ही शाइन्स नाउ एंड देयर टू फोर एंड हैविंग डन दैट दाउ हास्ट डन आई फियर नो मोर। अब वो कहते हैं कि जब आप मेरे साथ रहोगे तो मुझे कोई डर नहीं है। जो उनका सिन था, किसका सिन ऑफ फियर, वो लास्ट में, लास्ट लाइन में क्या होता है, चला जाता है, तो लास्ट लाइन में आप लोग ये देख सकते हैं। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, अब स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम डिस्कस करते हैं। अ हिम टू गॉड द फादर बाय जॉन डन इज थ्री स्ट्रेंजर पोएम। यहाँ पे हमने थ्री स्ट्रेंजर्स आप लोगों ने देख लिया ऑलरेडी, आप लोगों को अब तो याद भी हो गया होगा। तो इसी तरह से अगर आप 30 पोएम को पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। एंड देयर इज अ सेस्टेट। सेस्टेट क्या होता है, ये 6 लाइंस का एक ग्रुप होता है। तो आप लोगों ने देखा ऊपर फॉर्म फ्रॉम द टाइटल इट इज़ क्लियर दैट डन इंटेंडेड दिस पीस एज अ हिम, और ये क्लियरली एक क्या है, हिम है, और नाम से टाइटल से ये बात हमें पता चल रहा है, हमें इसमें म्यूजिकल क्वालिटी देखने को मिली। तो देखिए सेस्टेट है और थ्री स्टेंजाज हैं, ये एक हिम है, म्यूजिकल क्वालिटीज इसमें आप लोगों को दिखाई देगा। एंड द परसेप्शन इज इन पार्ट कॉज्ड बाय द राइम स्कीम, एंड राइम स्कीम इज ए बी ए बी ए बी, और जब इस तरह की राइम स्कीम होगी तो आपको म्यूजिकल क्वालिटी भी देखने को मिलेगा। लाइन वन ऑफ ऑल थ्री स्टेंजाज राइम्स, और सभी जगह पे आपको राइम्स देखने को मिलेगी। सो ऑन थ्रू ऑल 6 लाइन्स, एंड लेटर इफ़ यू टॉक अबाउट, सो यू विल सी हियर द आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटा, व्हाट इज़ द आयम्बिक पेंटामीटर, इट कंटेन्स सेट्स ऑफ 2 बीट्स, यहाँ पे आप लोगों को 2 बीट्स का साउंड दिखेगा, एंड वन इज़ अनस्ट्रेस्ड प्लस सेकेंड इज स्ट्रेस्ड। सो आयम्बिक पेंटामीटर आप लोगों को पता ही है, पता ही होगा कि अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड अगर 2 बीट्स आप लोगों को देखने को मिलती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। सो विद दिस वी एंड दिस डिस्कशन।